कैसे मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिनिन जो हमारे जो किडनी का जो रिपोर्ट होता है उसको हम कैसे करें। तो पहले मेरा जो मशीन है वो बेंच पे रखा है, तो उसके अंदर क्रिएटिनिन का जो 11 नंबर का जो रिपोर्ट है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ये जो होता है जो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उससे ए की वैल्यू निकाली जाती है, तो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर ज़रूरी होना चाहिए, तो हमने इसको रन करवा दिया है। और डिस्टिल वाटर की जो ए है वो 0.00 समथिंग आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वरना आपके रिपोर्ट में वेरिएशन आ सकता है। तो देखिए, मेरा 0.007 आया है, तो अब आगे बढ़ते तो उसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे पास चाहिए एक क्रिएटिनिन की किट, जो मेरे पास है कोई भी कंपनी की चलेगी। उसके बाद पेशेंट का सीरम, ब्लड नहीं चलेगा सीरम चाहिए, और एक टेस्ट ट्यूब जिसके ऊपर हमारा जो रिपोर्ट करना है उसकी मार्किंग भी कर लेनी, ताकि रिपोर्ट में कोई गलती ना हो। फिर हमारे पास चाहिए 2 पाइपेट, जो एक है हमारी 200 से 1000 माइक्रोलीटर और दूसरी है 10 से 100 माइक्रोलीटर, जो दोनों फिक्स नहीं अनफिक्स है। और फिर चाहिए हमें क्रिएटिनिन का रिएजेंट, जो 2 रिएजेंट आते हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो पहले हमारे रेड में से 500 माइक्रोलीटर हमने रिएजेंट ले लिया, दूसरे से हमने 500 माइक्रोलीटर यानी कि 1 ml दोनों को हमें लेना है। उसके बाद हमें उसे मिक्स कर देना है। बाद में हमारे पास जो दूसरी पाइपेट है, जो उसके अंदर 10 माइक्रोलीटर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना कितना रिएजेंट चाहिए, वो 10 माइक्रोलीटर हमें पेशेंट का सीरम लेना है। बहुत आसानी से लेना है और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जितना पहली बार टक होता है उसी से ही लेना होता है। हमने 10 माइक्रोलीटर ले लिया है, तो अब हमें उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जब तक मिक्स होता है तब तक हाथ से हिलाते रहिए ताकि प्रॉपर मिक्स हो जाए। और हमें इनक्यूबेट टाइम हमारा 1 मिनट का है, 1 मिनट से ज़्यादा अंदर हमें इसको रन करा लेना चाहिए। 1 मिनट यानी कि 30 से 60 सेकंड के बीच में हमें उसे रन करा देना चाहिए, वरना हमारे रिपोर्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, 1 मिनट होने वाली है तो मैं उसे रन करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 1 मिनट हो चुकी है, तो हमें थोड़ा मिक्स करके फिर उसको उसे रन करा देना है। जब रन कराएंगे तो उसकी जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ये पेशेंट मेरा एक किडनी डिसीज़ वाला है, तो उसका क्रिएटिनिन ज़्यादा ही आएगा, 3 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि अगले रिपोर्ट में ऐसा ही आया था। तो देखते हैं दोस्तों, रिपोर्ट अभी होने वाला है। इस प्रकार से आपका जो ग्राफ है वो बनेगा, ऊंचा नीचा सीधा स्ट्रेट नहीं बनेगा। जो हम ग्लूकोज करते हैं उसमें स्ट्रेट आता है, इसमें स्ट्रेट नहीं आता, ऊपर नीचे आता है। ये देखिए, सी यानी कि पेशेंट का जो क्रिएटिनिन वैल्यू है वो 3.77 आया है, यानी कि ये इस पेशेंट का क्रिएटिनिन 3.77 है, क्योंकि क्रिएटिनिन की नॉर्मल है 0.5 से लेकर 1.5 तक है। तो फिर इसको हम बैक करेंगे, रिंस का जो ऑप्शन है रिंस कर लेना है, ताकि हम कोई दूसरा रिपोर्ट करें तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो रिंस के लिए हमें चाहिए फिर डिस्टिल वाटर, तो हमें रिंस कर लेंगे। रिंस करने के बाद हमारा रिपोर्ट हो चुका है, जो 3.77 है हमारा क्रिएटिनिन रिपोर्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसे ऐसे वीडियो चाहिए या कोई एक्स्ट्रा वीडियो कोई डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।